नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की कला और संस्कृति में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक जीवन, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण एवं खान पान से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यकालीन राजस्थान में पति की मृत्यु किसी अन्य जगह पर होने पर उसके किसी प्रतीक के साथ उसकी पत्नी चित्तारोहण करती थी, यह प्रथा कहलाती थी। दोस्तों ये प्रथा अनुमरण प्रथा कहलाती थी, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो, हड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई? तो दोस्तों कन्यावध प्रथा पर रोक लगाई गई थी, हड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे विल्किंसन के प्रयासों से ना कन्यावध प्रथा पर रोक लगाई गई थी। दोस्तों ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन, किसके शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी? किसके शासनकाल में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर चार, किस अंग्रेज अधिकारी के प्रयासों से सन 1853 ईस्वी को मेवाड़ के डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी? मेवाड़ में डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो दोस्तों उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था जेसी ब्रूक के प्रयासों से सन 1853 ईस्वी में मेवाड़ में डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँच, सुमेलित कीजिए कुप्रथा दी गई है एक तरफ और एक तरफ सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत दी गई है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा कन्यावध है, कन्यावध कोटा में सर्वप्रथम रोक लगाई गई और समाधि प्रथा में सर्वप्रथम जयपुर में रोक लगाई गई थी और सती प्रथा पर दोस्तों बूंदी में रोक लगाई गई थी और त्याग प्रथा में दोस्तों जोधपुर में रोक लगाई गई थी सर्वप्रथम। तो पहले में हो जाएगा ए कन्यावध कोटा, दूसरे में हो जाएगा समाधि प्रथा में सी जयपुर में समाधि प्रथा पर रोक सर्वप्रथम जयपुर में लगाई गई थी और सती प्रथा में हो जाएगा बी बूंदी में, सती प्रथा सर्वप्रथम लोक बूंदी में लगाई गई थी और त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम लोक है वो जोधपुर रियासत ने लगाई थी। दोस्तों ऑप्शन ए सी बी डी हो जाएगा, पहले में ए हो जाएगा, दूसरे में सी हो जाएगा, तीसरे में बी हो जाएगा, चौथे में डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छः, उदयशाही, अमरशाही, अरसीशाही, भीमशाही एवं स्वरूपशाही इत्यादि हैं, क्या हैं दोस्तों? आत्मसुख, पटका, चोगा या चुग्गा कुर्ती? तो दोस्तों उदयशाही, अमरशाही, अरसीशाही, भीमशाही, स्वरूपशाही इत्यादि क्या हैं? पटका हैं दोस्तों, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सात, सुमेलित कीजिए एक तरफ मेवाड़ी पगड़ियां दी गई हैं और दूसरी तरफ ठिकाने दिए गए हैं। तो पहले में चुड़ावत शाही है, इसमें हो जाएगा एफ सुलुम्बर, सुलुम्बर चुड़ावत शाही सुलुम्बर की, सुलुम्बर ठिकाने की क्या है? पगड़ी है दोस्तों। और मानसाही दोस्तों इसमें ई हो जाएगा, भैंसौरगढ़ ठिकाने की पगड़ियां है दोस्तों। और जसवंत शाही में हो जाएगा ऑप्शन डी इसमें देवगढ़ दोस्तों। और हमीर शाही में बनेड़ा हो जाएगा दोस्तों। और मांडशाही में कानोड हो जाएगा और राठौड़ी पगड़ी में बदनोर हो जाएगा। तो दोस्तों पहले में चुड़ावत शाही में हो जाएगा एफ, एफ में सलुम्बर, और दूसरे में मानसाही में हो जाएगा ई, ई में भैंसौरगढ़, और डी में, तीन में जसवंत शाही में हो जाएगा डी, और चार में अमीर शाही में हो जाएगा सी, और मांडप शाही में हो जाएगा बी, और राठौड़ी पगड़ी में हो जाएगा ए। तो दोस्तों इस प्रकार सुमेलित कर लेना। क्वेश्चन नंबर आठ, जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र कहलाता है? जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र दोस्तों पटका कहलाता है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नौ, शरीर के ऊपरी भाग में कमर या घुटनों तक पहना जाने वाला वस्त्र, शरीर के ऊपरी भाग में कमर या घुटनों तक पहने जाने वाला आभूषण दोस्तों क्या है? अंगरखी। शरीर के ऊपरी भाग में कमर या घुटनों तक पहने जाने वाला वस्त्र दोस्तों अंगरखी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर दस, राजस्थान में तारा बांध की ओढ़नी कौन ओढ़ती है? तारा बांध की ओढ़नी कौन ओढ़ती है? राजपूत महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, जाट महिलाएं, और बी और सी, आदिवासी और जाट महिलाएं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, आदिवासी महिलाएं और जाट महिलाएं हैं वो तारा बांध की ओढ़नी ओढ़ती हैं दोस्तों। ऑप्शन बी और सी दोनों राइट हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों।
आदिवासी महिलाएं और जाट महिलाएं वो ताराबाद की ओढ़नी ओढ़ती हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा गले में नहीं पहना जाता? कौन सा आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा गले में नहीं पहना जाता? हथपान है वो नहीं पहना जाता गले में दोस्तों, बाकी सारे गले के आभूषण है हथपान को छोड़ के। हंसली, किमणिया, चंपाकली, ये तीनों के तीनों क्या हैं? गले के आभूषण है, हथपान है ये गले का आभूषण नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, महिलाओं द्वारा गोखरू आभूषण पहना जाता है? महिलाओं के द्वारा गोखरू आभूषण कलाई पर पहना जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, गोखरू कलाई पर पहना जाने वाला आभूषण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान की भांड जाति का परंपरागत संबंध है? भांड जाति का परंपरागत संबंध किससे है दोस्तों? बहुरूपिया कला से। राजस्थान के अंदर भांड जाति का जो परंपरागत संबंध है वो बैरूपिया कला से है दोस्तों। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, लंगा या मांगनियार जातियों का संबंध रहा? लंगा या मांगनियार जातियों का संबंध कहाँ से रहा है दोस्तों? लोक गायकी से रहा है। लंगा या मांगनियार जातियों का संबंध किससे रहा है? लोक गायकी से। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा राजस्थानी स्त्रियों के गले का परंपरागत आभूषण नहीं है? राजस्थानी स्त्रियों का परंपरागत आभूषण नहीं है दोस्तों मेमन। राजस्थान के अंदर स्त्रियां वो गले में परंपरागत रूप से मेमन आभूषण नहीं पहनती हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मोताना का संबंध है? मोताना का संबंध बताना है दोस्तों जनजातीय संस्कृति से है। मोताना का संबंध जनजातीय संस्कृति से है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थानी संस्कृति में पडला, घुड़चडी, तोरण, कन्यावल, डेरा, पड़जान इत्यादि शब्दों का संबंध किससे है? तो दोस्तों इन सभी का संबंध विवाह से है। राजस्थानी संस्कृति में पडला, घुड़चडी, तोरण, कन्यावल, डेरा, पड़जान इत्यादि शब्दों का संबंध विवाह से है दोस्तों। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, विवाह है। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थानी पुरुषों का परंपरागत आभूषण है? राजस्थानी पुरुषों का परंपरागत आभूषण क्या है? झेला दोस्तों। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा राजस्थानी पगड़ी का एक प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा राजस्थानी पगड़ी का एक प्रकार नहीं है दोस्तों? इसमें राइट आंसर हो जाएगा चुन्नड़ है वो राजस्थानी पगड़ी का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, चुन्नड़। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नाक में नहीं पहना जाता? कौन सा आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा नाक में नहीं पहना जाता? मादलिया है वो दोस्तों, महिलाओं के द्वारा नाक में नहीं पहना जाता, ये गले का आभूषण है दोस्तों। मादलिया है वो गले में पहना जाता है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, महिलाओं के द्वारा नाक में नहीं पहना जाने वाला आभूषण मादलिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, बजट्टी, लटकन, लौंग, चुन्नी इत्यादि आभूषण महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं, कहाँ पर पहने जाते हैं? नाक में। बजट्टी, लटकन, लौंग, चुन्नी इत्यादि आभूषण महिलाओं के द्वारा नाक में पहने जाते हैं। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थानी महिलाओं के कान का परंपरागत आभूषण नहीं है? राजस्थानी महिलाओं का कान का परंपरागत आभूषण नहीं है गोखरू। गोखरू दोस्तों राजस्थानी महिलाओं का कान का परंपरागत आभूषण नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, गोखरू। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थानी महिलाओं के गले का परंपरागत आभूषण नहीं है? राजस्थानी महिलाओं के गले का परंपरागत आभूषण नहीं है दोस्तों रखन। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, रखन है वो राजस्थानी महिलाओं के गले का परंपरागत आभूषण नहीं है रखन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, आदिवासी कन्याओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली पावली बांध की ओढ़नी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? आदिवासी कन्याओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली पावली बांध की ओढ़नी का दूसरा नाम बताना है दोस्तों। कटकी कहा जाता है, पावली बांध की ओढ़नी है जो आदिवासी कन्याएं द्वारा ओढ़ी जाती है उसका दूसरा नाम कटकी है दोस्तों। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थानी व्यंजन गलवाना किस अवसर पर बनाया जाता है? राजस्थानी व्यंजन है गलवाना किस अवसर पर बनाया जाता है? ये आखा तीज पर बनाया जाता है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, शीतलाष्टमी पर संपूर्ण राजस्थान में एक दिन पूर्व ठंडा खाना बनाया जाता है जिसे कहते हैं बांसवड़ा या ठंडा। क्या कहते हैं? शीतलाष्टमी पर संपूर्ण राजस्थान में एक दिन पहले ठंडा खाना बनाया जाता है जिसे बांसवड़ा या ठंडा कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थानी व्यंजनों में से प्रसिद्ध है? राजस्थानी व्यंजनों में से क्या प्रसिद्ध है?
दाल बाटी एवं चूरमा वो राजस्थान के व्यंजनों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, दाल बाटी चूरमा राजस्थानी व्यंजनों में सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के प्रसिद्ध क्षेत्रीय व्यंजनों खान पान का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गुलाब जामुन, आबू रोड, ये सुमेलित नहीं है, इसको छोड़कर बाकी सारे सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? राजस्थानी दाल बाटी चूरमा देश भर में प्रसिद्ध है, ये कथन सत्य है दोस्तों। राजस्थान के अंदर दाल बाटी चूरमा है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है दोस्तों। राजस्थान के जो दाल बाटी चूरमा है वो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थानी व्यंजनों में मांगलिक अवसरों पर बनाया जाता है। राजस्थानी व्यंजनों में मांगलिक अवसरों पर कौन सा व्यंजन बनाया जाता है? लापसी दोस्तों। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान के खान पान के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन राजस्थान के खान पान के बारे में कथन असत्य है दोस्तों? राजसमंद का मक्खन बड़ा है, झालावाड़ की झालामुरी प्रसिद्ध है, ये कथन असत्य है दोस्तों। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, पूर्वी राजस्थान में विवाह के पश्चात बेटी के ससुराल जाकर परिजनों द्वारा कुछ उपहार देने के पश्चात ही भोजन करने के कार्यक्रम को रिवाज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आंट खुलाना कहा जाता है। राजस्थान में पूर्वी राजस्थान में विवाह के पश्चात बेटी ससुराल जाकर परिजनों द्वारा कुछ उपहार देने के पश्चात ही भोजन करने के कार्यक्रम जिसको रिवाज कहा जाता है उसको कहा जाता है आंट खुलाना। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थानी महिलाओं के परंपरागत आभूषणों का सिर से पांव तक का सही क्रम है मेमंद, कंठी, तागड़ी और जोड़। राजस्थानी महिलाओं में के परंपरागत आभूषणों से सिर से पांव के लिए आभूषण का सही क्रम बताना है। पहले सिर में मेमंद, कंठी गले में, तागड़ी कमर में और जोड़। क्वेश्चन नंबर 34, गाल के लड्डू किस अनाज दाल से बनाए जाते हैं? तो ये दोस्तों गेहूं से बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, गाल के लड्डू किस अनाज या दाल से बनाए जाते हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 34, गाल के लड्डू किस अनाज से बनाए जाते हैं? गेहूं से बनाए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।